चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर ने खुद कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया है। सुरजेवाला ने कहा कि हम उनके प्रयासों और पार्टी को दिए गए सुझावों की सराहना करते हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, प्रशांत किशोर के साथ चर्चा और प्रेजेंटेशन दिए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और उन्हें समूह के हिस्से बनने और पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने भी खुद कांग्रेस में नहीं शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में रचनात्मक समस्याएं गहरी हैं। कांग्रेस में परिवर्तनकारी सुधारों की जरूरत है। मुझसे ज्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें थी। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री लगभग तय मानी जा रही थी। दरअसल किशोर बीते कुछ दिनों में लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी कई मुलाकातें की थी। कल यानी मंगलवार को किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पार्टी नेताओं के बीच मंथन भी हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बर, अंबिका सोनी, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक वाले पैनल ने अपनी राय दी थी।